एलर्जी की कोई भी बीमारी हो, जैसे कि बार-बार सर्दी खांसी होना, दमा की तकलीफ, आंखों की एलर्जी, कान के प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस, मुंह में छाले आना, या सीवियर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, डकार आना, इवन स्नोरिंग या कराटे, उसी में भी 60-70% जो है नाक में नाकपुड़ियां टर्मिनेट्स होते हैं। तो ये एलर्जी से सेंसिटाइजेशन से जब टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी होती है, तो फिर एक बाजू के अगर टर्मिनेट ज्यादा बढ़ गए, तीन होते हैं यहाँ पे, तो तीनों में से एक भी गंध ज्यादा बढ़ता है तो नाक की हड्डी को ढकेल देता है, इसलिए नाक की हड्डी बढ़ गई बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे जो होता है ये सेंसिटाइजेशन की वजह से टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी होती है, या पेट की प्रॉब्लम्स होती है, किसी को बद्धपना या कॉन्स्टिपेशन, तो किसी लोगों को इंडाइजेशन होता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गले के इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल के इन्फेक्शन, नाक के पीछे एडिनोइड्स बच्चों में होते हैं, उसकी वजह से ओपन माउथ ब्रीदिंग, बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, बच्चे खराटे लेते हैं, या कुछ बच्चे जो है आंख मसलते रहते हैं, उनको आंखों में लाली नहीं होती है लेकिन मसलते रहते हैं बार बार, या कान इचिंग करते रहते हैं, तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ एलर्जी ओनली। तो इनमें अगर सही तरीके से शुरुआत में ही कुछ डस्ट माइट्स या कुछ और एलर्जेंस होते हैं, जैसे कांग्रेस ग्रास, गाजर गौत बोलते हैं, इनसे सेंसिटिविटी हम प्रॉपर सही मायने में एलर्जी एक्सपर्ट से उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेके स्पेसिफिक एलर्जन स्किन के ऊपर जो टेस्ट की जाती है वो ज्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद उसको डिसेंसिटाइज अगर करते हैं या इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी वैक्सीन, तो आगे होने वाले न्यू सेंसिटिविटीज और नए सेंसिटिविटीज और उन सबका इफेक्ट होके फिर एक दिन कुछ तो जस्ट एक रीजन लगता है और पेशेंट्स को तकलीफ होती है। तो कुछ लोग फिर सेंट से तकलीफ होती बोलते हैं, कुछ लोग डिओडोरेंट से, कुछ लोगों को ज्यादा जैसे खाना बनाने से तड़का मारते हैं तो उसकी जो बांस होती है, स्मेल होती है, कुछ लोगों को जलाने के कुछ स्मेल आती है, या फैन के नीचे, एसी के बाद, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ये ट्रिगर होते हैं मेन प्राइमरीली इनके बॉडी में जो एलर्जी चालू रहती है इनमें, ये ट्रिगर होना चालू होता है, उस दिन से उनको तकलीफ होती है। तो सिंपल एग्जांपल अगर देना है तो जैसे कि अगर सपोज बारिश आती है तो एक आदि कोई जो वॉल है और उसमें कहां से तो लीकेज चालू ही है और वो वॉल में नमी होती है और फिर कोई बारिश आती है तो वहां से फिर लीकेज चालू हो जाता है, वो फिर वहां उस दिन से वहां पे वो वॉल पे फंगस या जो मोल्ड बुरशी आती है और वो भी तकलीफ होती है, लेकिन पहले से वो वॉल में कहां से तो लीकेज चालू था। तो सेम वे एलर्जी में एक्चुअल एलर्जेंस जो होते हैं वो डस्ट माइट्स, इंसेक्ट ड्रॉपिंग्स, फीदर्स, पोलन्स, कुछ मोल्ड्स या कुछ फूड्स जो गट इन्फ्लेमेशन करते रहते हैं, उनको ढूंढना जरूरी होता है।